दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, श्रद्धा आर्य के बाद कुंडली भाग्य के एक और कलाकार संजय गगनानी ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पूनम प्रीत के साथ साथ फेरे लेकर शादी कर ली। इनकी शादी के मौके पर इनके परिवार वालों के साथ इनके कई स्टार भी शामिल थे, जिन्होंने इनके हर वेडिंग सेरेमनी को खूब इंजॉय किया और इन्हें और इनकी पत्नी पूनम प्रीत को शगुन के तौर पर सबने ढेर सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। तो वहीं इन्होंने भी अपनी वाइफ पूनम प्रीत को एक बेसकीमती गिफ्ट मंगलसूत्र शगुन के तौर पर दिया, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और एक्सपेंसिव है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिरकार संजय गगनानी ने अपनी वाइफ पूनम प्रीत को कैसा मंगलसूत्र दिया। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुंडली भाग्य सीरियल में पृथ्वी मल्होत्रा की नकारात्मक भूमिका निभाकर मशहूर हुए अभिनेता संजय गगनानी ने हाल ही में 28 नवंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पूनम प्रीत के साथ सात फेरे लेकर शादी कर ली, जिन्हें ये 8 साल से डेट कर रहे थे। इनकी शादी गुरुद्वारे में एक पंजाबी रीति रिवाज के साथ हुई थी और इनकी शादी में संजय और पूनम की फैमिली और इनके को स्टार शामिल थे, जिन्होंने इनकी शादी में खूब नाचा गाया और खूब इंजॉय किया, और शगुन के तौर पर इन दोनों को उन्होंने ढेर सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए। तो वहीं संजय गगनानी ने अपनी वाइफ पूनम प्रीत को शगुन के तौर पर बेसकीमती मंगलसूत्र दिया, जो एक मंदिर से इंस्पायर्ड सोने का रॉयल क्राफ्टेड मंगलसूत्र है, जिसे इंडिया के फेमस क्राफ्टमैन ने डिजाइन किया है। और ये मंगलसूत्र 22 कैरेट पीले सोने का है और मंगलसूत्र गोल है और बीच में बड़ा सा फ्लावर है, जिसमें बीच में छोटा सा रेड कलर का स्टोन है जो बहुत कीमती है। और इसके अलावा बीच में दोनों साइड और छोटे गोल फ्लावर बने हैं, उसमें भी यही स्टोन है। और मंगलसूत्र 3 लड़ी की है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और इसकी कीमत करीब 2.5 लाख है। दोस्तों, आपका क्या कहना है संजय गगनानी के द्वारा दिए गए मंगलसूत्र के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।